की बड़ी खबरों की तरफ। हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत फिक्स करने के मामले में दिल्ली सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। दिल्ली में खान मार्केट ऑक्सीजन मामले वाले नवनीत कारला की अग्रिम जमानत पर याचिका खारिज। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले, दिल्ली में कोवैक्सीन का एक दिन और कोविशील्ड का 3 से 4 दिन का ही स्टॉक बचा है। कांग्रेस में आंतरिक चुनाव का ऐलान, 23 जून को कांग्रेस अध्यक्ष के लिए वोटिंग होगी। हिमंत बिस्व शर्मा ने असम के नए मुख्यमंत्री के रूप में ली शपथ। लालू प्रसाद यादव बोले, हमने पोलियो टीकाकरण का विश्व रिकॉर्ड बनाया था, ये सरकार टीका नहीं दे पा रही है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सीएम योगी ने की कोरोना पर मीटिंग। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने जारी किया LOC। विराट कोहली ने ली कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू का ऐलान, 11 मई की सुबह से 18 मई की सुबह तक हुआ लागू। राजस्थान में आज सुबह 6 बजे से लॉकडाउन शुरू, 24 मई तक जारी रहेंगी पाबंदियां। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 91.53 रुपए और डीजल की कीमत 82.06 रुपए प्रति लीटर पहुंची। बीते 24 घंटे में देश में 3,66,161 कोरोना के नए मामले सामने, 3,754 लोगों की गई जान। असम में फिर आया भूकंप, नंगांव में रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.0 दर्ज की गई। शेयर बाजार मजबूत, सेंसेक्स 290 अंकों की तेजी के साथ खुला। इसराइल से गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंची मेडिकल उपकरणों की सहायता। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ऐसे और खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज इंडिया से।